जल्दी लिया यार, भूख लग रही है। ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल व्लॉगर इमी। तो स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो आज मुझे आप लोगों की वजह से थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। मैं ये ऐसे तो मैं जल्दी उठता नहीं हूँ, वैसे नॉर्मल मैं उठता हूँ 9 बजे, 8:30, 9 बजे। मैंने कहा चलो आज जल्दी उठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट का वीडियो बना देते हैं। एक बार मैंने पहले बनाया था वीडियो, शायद आपने देखा होगा, पता नहीं। तो वो वीडियो तो आपने देखा या नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे लेबर क्लास जो लोग हैं या सभी, मतलब सारे ही लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, क्या क्या लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, वो सभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं पहले वहाँ पर जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, यानी होटल की तरफ। तो आगे यहाँ पर ये है होटल जहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट करना है। अंदर ऐसे देख के लग रहा है भीड़ है, लेकिन चलो कोई नहीं, ब्रेकफास्ट तो करना ही, चलते हैं अंदर। तो जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे भीड़ रहती है सुबह सुबह, क्योंकि सारे जो वर्कर्स हैं वो सब ड्यूटी पे जाते हैं, तो वो नाश्ता वगैरह करके ही जाते हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ रहती है। यह वैसे केरला होटल है और इसके पास में ही है पाकिस्तानी होटल है, वहाँ पर भी भीड़ रहती है सुबह सुबह। जैसे होटल्स में या रेस्टोरेंट में भीड़ का ही माहौल रहता है नाश्ते के लिए। तो काफ़ी वेट करने के बाद में हमको यहाँ पर टेबल मिल चुकी है। यहाँ पर जैसे ऑप्शंस बहुत है, यानी पराठा है, उसके बाद इडली है, डोसा है, हिंदी होटल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसके बाद है पूरी और सब्ज़ी। तो मैंने अभी ऑर्डर किया है पूरी और सब्ज़ी, देखते हैं आती है नहीं आती। तो बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है मुझे खुद को कि जो मैंने ऑर्डर किया था पूरी सब्ज़ी वो तो है नहीं, क्योंकि बोला पूरी का आटा जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेड टू ऑर्डर है, सिर्फ ऑर्डर पर ही बनाई जाती है और जो कि जल्दी ख़त्म ही हो जाती है। अब बचे हैं परोठा, इडली और डोसा, जैसे मैंने बताया यही ऑप्शंस में थे। अभी मैंने परोठा मंगाया, क्या करें, खाना तो पड़ेगा ना, जल्दी उठें तो पेट तो भरना ही पड़ेगा ना। तो चलो अभी पराठा ऑर्डर किया है, वो खा लेते हैं फिर बात करते हैं। ये आ गया हमारे पराठों का सेट, इसमें पराठा है, दाल है और ये नारियल की चटनी है। तो चलो ये परोठा खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, ओके। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया, डिसअपॉइंट हो गए इसे, डिसअपॉइंट क्यों ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। पहले चाय पी लेते हैं नाश्ते के बाद में, चाय तो पी नहीं, तो चाय तो बनती है ना, चाय लेके फिर चलते हैं बाहर। तेरा तो वीडियो बनाऊंगा मैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चला यार, डिसअपॉइंट होके खा लिया। डिसअपॉइंट होके इसलिए क्योंकि मैं बड़ी उम्मीद लगा के आया था कि यार आज पूरी सब्ज़ी खाएंगे, मन भी हो रहा था 2-3 दिन से। यहाँ आके पता चला तो कारीगर इंडिया गया हुआ, वही बनाता है, इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। फिर चाय ले ली नाश्ते के बाद में, पानी नहीं लिया, क्यों, पानी यहाँ मामा का वकाला है फ्री में पियेंगे यार, वहाँ पैसे क्यों लगाए पानी के, है कि नहीं, तो यहाँ फ्री में पियेंगे ना, वहाँ पैसे लगाने से अच्छा चाय पियो मामा। तो चलो पानी ले लेते हैं, पहले पानी पियेंगे क्योंकि पानी के बाद ही चाय पियेंगे, चाय के ऊपर पानी नहीं पी सकते ना। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो मामा के वकाले से फ्री का पानी पी के चलते हैं वर्कशॉप की तरफ, क्योंकि यार ये मैंने बोला ना कि जैसे डिसअपॉइंटेड, तो डिसअपॉइंटेड ही है। काफ़ी दिनों के बाद में मेरा मन हुआ था, क्योंकि मेरा ज़्यादा मन होता नहीं है बाहर नाश्ता करने का, मैदा के बनते पराठे तो मैदा वैसे नुकसान करता है शरीर को, इसलिए मैं ज़्यादा जो है वो इग्नोर करता हूँ बाहर नाश्ता करने के लिए। इससे अच्छा तो आप इडली या डोसा है ना वो ट्राई कर लो, वो सबसे बेस्ट है। तो ये तो हो गया जो है मलयाली नाश्ता, जैसे ये परोठा, फिर इडली डोसा हो गया। उसके बाद आती है पाकिस्तानी, ठीक है, वो नाश्ता क्या करते हैं, तो वो फेमस नाश्ता है यहाँ पे जो पाकिस्तानी है और बाकी जो अरबियन लोग हैं वो करते हैं, वो बोलते हैं फोल तमीज़। तमीज़ जैसे एक तंदूर का बड़ा भाई होता है उसको बोलते हैं तमीज़, और फोल जो है वो राजमा जैसा होता है, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बनाएंगे आगे, इंशाल्लाह कल या परसों जब भी मुझे मौका मिला फोल तमीज़ खाने का, या आपके लिए, सिर्फ आपके लिए फोल तमीज़ ला के उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ओके। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब चलती कलम मेरे चलते हैं पेज, मुझे आती है हिंदी ना बनता अंग्रेज, मुझसे भिड़े गाना है तेरे बस की, तू घर जा और कल अपने पापा को भेज, कुछ बकने से पहले तू नाम कर ले याद, साले तेरे जैसे कितनों की पकड़ी है।